मैम विल यू टेक दैट मैम विल यू टेक दैट रेगुलर टेस्ट हमारा मतलब नाउ द सेकंड चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज अ थ्री मार्कर क्वेश्चन और एनीथिंग बट यस एनीथिंग जहां हमारे क्वेश्चंस होते हैं विच वी से दैट वी दे मे हैव अ डिफरेंट यू नो डिफरेंट ऑप्शन उनमें हम एम को वी टेकअप

always call india as an agricultural country because most of our people are indulged in agriculture they may be directly as farmers or they may be indirectly as distributors to these farmers but agriculture is the main source and the art science of cultivating the soil Raising, <coughs> raising crops and rearing livestock. Livestock, मतलब आपके कैटल हो गए इन सबको बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर दट ऑल कम्सर दोल इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री बिकॉज सिक्सटी फिफ्टी सिक्स परसेंट हमारे जो फार्मर हैं पीपल दे आर इन टू दिसम वाई इट इज रिटर्न मोस्ट ऑफ द फूड बिकॉज सम ऑफ द फूड भी इवन इम्पोर्ट कुछ चीजें हमारे यहाँ नहीं है तो दो थिंग प्लस agriculture also, it is not only the food crops, the non-food crops also, which are used as the products, for as the input for the various industries, like your rubber. in the crop production, we are next to china and the biggest economic sectors and employ around 52.1 of the total workforce. नाउ यस yes, कुछ सालों में अब ये जो मैंने ऊपर लिखा मतलब जो ऊपर आपको दिख रहा है दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अजर्स कैन बी फ्रेम्ड एज अजर्शन एंड रिजन दट ओवर द पीरियड देयर हैव बीन डेफिनेटली चेंजेस क्योंकि पहली बात तो फिजिकल इन्वामेंट हमारा काफी चेंज हुआ है यू इवन वी कैन विटनेस due to the global warming due to the other environmental factors there have been a differences in the climatic conditions secondly technologically now we are more advanced we are better than what we were earlier and of course the socio cultural practices like pehle maximum people were on to the agriculture slowly slowly some of them migrated to the um, uh, to the cities. Now we are having people who are into agriculture, but many of the people have shifted to tertiary sectors also. That has also, you know, uh, made the difference. And we have different kinds of farming in our country first, primitive, second, intensive, and the third one is commercial farming. These are the types of farming that we do.

यहां पर क्या होता है और आपके नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो है वहां पर दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज वेरी वेरी प्रेवलेंट हो दाओ डिगिंग स्टिक्स एंड घर के या फिर नॉर्मली कम्युनिटी लेबर्स जो होते हैं दे टेक एक पर्टिकुलर एरिया को दे वुड बी क्लीनिंग इट एंड दे वुड लीव द रेस्ट टू रिटेन इट्स फर्टिलिटी एंड वंस ये वाला एरिया आपका ठीक हो मतलब कि दे फाइंड दैट ये वाला जो एरिया ज्यादा यूज हो गया तो देन दे शिफ्ट ओवर दैट इज वाई इट इज ऑल्ड अफ्टिंग इट्स ऑल्सो कॉल्ड अफ्टिंग स्लैश एंड बर्न जो फार्मर्स होते हैं दे क्लियर दिस पैच एंड दिस इज डन ओनली फॉर सस्टेनिंग देअर फैमिली अपनी फैमिली को एंड इस तरीके से दे मे टेक इट नॉर्मली दे डोंट यूज द मॉडर्न इनपुट्स एंड दैट इज वाई जो प्रोडक्शन होता है वो काफी हमारा लो होता है नाउ यू कैन सी इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दे आर कॉल्ड एज एसिंग पम्लाओ दिपा मतलब आपके इसमें इन योर एम सी क्यूज क्वेश्चन फॉर डैश वहां आप देख सकते हो बर्न एंड स्लैश इसमें आपका क्या होता है दमिकल इनपुट द इिगेशन इज ऑल्सो यूज एंड जहां हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है वहां होता है दिस इज अबर इंटेंसिव इंडस्ट्री फार्मिंग बिकॉज यहाँ पर लेबर्स आपके जो है दे आर उनको जो है ले आ जाता है द लेबर्स आर अप्लाईड मतलब उनको लिया जाता है एंड दे आर यूज फॉर दिस फार्मिंग दिस इज वाई वाई इट इज कॉल्डेंस बिकॉज केट विद सेल्स एंड द रिमेनिंग इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट लाइक हमने जो पालमपुर में पढ़ा था वहां पर आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग चलता है मैक्सिमम पीपल आर इंडर्ज इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बट हमारे इंडिया के अंदर एक लॉ है दैट एवरी वन हैज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लाइक इफ अगर माई मेरे फादर के चार बच्चे होते तो फोर ऑफ अस हैड द राइट टू इनहेरिट द लैंड पहले क्या होता था पीपल यूज टू बी टूगेदर बिग फैमिली तो मिलकर करते थे तो नो बडीड मच प्रॉब्लम लेकिन अब जैसे जैसे आपकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो टूट रही है तो होता क्या है मान लीजिए कि माई फादर व मतलब दो बेटे थे अब उनके पास तो जमीन ज्यादा थी लेकिन हम चार है तो चार के लिए जब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो लैंड होल्डिंग सिस्टम जो होती है वो थोड़ा हमारा कम होता जा रहा है एंड दिस इज बिकमिंग अब हमारे पास कम है लेकिन हमें तो वही चीजें उगानी है जो वहां पर उग सकती है तो दैट ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड थर्ड कमर्शियल यानी कि द कंप्लीट वे वेन वी आर अर्निंग द मनी वेन वी आर अर्निंग द मनी कैश क्रॉप जिनको कहते हैं यूजिंग

प्लांटेशन ये आपका टी प्लांटेशन है टी प्लांटेशन देन आपके उसका नाम क्या है कॉफी प्लांटेशन रबर प्लांटेशन दे आर द काइंड ऑफ प्लांटेशन मीन्स प्लांटेशन इज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यानी कि हम वहां से लेते हैं और इंडस्ट्री को देते हैं टी इट इज लेबर ओरिएंटेड वी आर Producing it, industrial input hai and it is also im, uh, exported. Same for coffee, coffee beans hote hain alag alag tarike ke now and for the past few years we have been, you know, inventing or you can say innovating many kinds of coffee beans. तो coffee beans हम लेते हैं उसको roast करते हैं उसको अलग-अलग तरीकों में use करते हैं to uh, in inside in the industrial Plantation use capital intensive inputs yani ki badi badi machine, with the help of migrant labors and they produce the raw materials which are used in the respective industry that is plantation crops. See, tea plantation in Assam, North Bengal, coffee plantation in Karnataka, banana in southern part rubber in Kerala, bamboo in northeastern are the plantation cro crops grown in India. That's a key point for plantation. Now because these jo plantation hota this was started by the Europeans in India in fact. They were the one विद द हेल्प ऑफ जर्मन साइंटिस्ट दे है डेवलप दिस प्लान क्रॉप्स देहरादून के अंदर आपका जो है यू हैव द इंस्टीट्यूट हुआ डीलिंग विद सच काइंडग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन्स और उनके ही मतलब कि कहने के बाद ये प्लांटेशन हमारे यहाँ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है वो उनको क्लियर किया गया था एंड दे व यूज फॉर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज दैट मेक्स any country rich and that is why we need well developed network of transport communication which could be connected to these plantation areas and processing industry and market this can be your question in assertion and reason this is what we call as a Pattern of cropping. Now, what is the meaning of cropping pattern? Means not every crop can be grown in every month or every season. But if there are as we are having the HYV seeds, the organic and the factory bond seeds. That also helps you to get the crops in non-season also. बट जनरली हम लोग अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं सम ऑफ द क्रॉप्स लाइक वीट और राइस कैन नॉट बी ग्रोन इन एनी नॉन सीजनल एरिया और नॉन सीजनल टाइम तो हमारे यहां पर जो है अभी तीन है राबी खारिफ एंड जैद मतलब हमने अपने मॉनसून के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने सॉइल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है Rabi, Karif, and Z. Now, when we say Rabi crops, normally हम इनको winter crops भी कहते हैं We also call it as winter crops. Sown in winter, that's October. अभी जो next month आएगा मतलब अक्टूबर के आसपास में

उनको मतलब दिसंबर में आते तभी हम लोगों को जो मटर होते हैं वो दिसंबर नवंबर दिसंबर में ज्यादा मिलते हैं ग्राम एंड मस्टर्ड पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर वेस्टर्न यूपी ये सब जो है आपके राबी क्रॉप्स के स्टेट्स है ये आप याद रखना दिस रिक्वायर्स बिट रेनफॉल प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू दिन वेस्टर्न इसमें मतलब कि यहाँ पर जो है बारिश होती है एंड ऑल्सो द्रीन रेवोलूशन इंक्रीज और यू कैन ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान मतलब जिसकी वजह से राबी क्रॉप्स आपके यहाँ पर ज्यादा है आपका पूरा जो है सरसों के खेत से भरा हुआ होता है खारिफ यानी कि हम इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं सोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून दैट इज अराउंड आपका जुलाई के आसपास में जून के आसपास में इनको जो है सॉइल तैयार करके डाल दिया जाता है सम, और उसके बाद जो पहली बारिश होती है देन उसके बाद दैट स्टार्ट हार्वेस्टिंग बिकॉज दीस नीड्स मोर वाटर इनको जो है पानी की ज्यादा जरूरत होती है फिर so सेप्टेम्बर या अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है अगर आप अभी मार्केट में जाओगे तो आपको नए वाले चावल जो है आपको मिल जाएंगे नए चावल जो होते हैं नॉर्मली वी यूज एंड जनवरी के आसपास तो बिल्कुल बिल्कुल मार्केट के अंदर न आ जाते हैं पाडी दैट इज राइस मेज मक्का जॉवर बाजरा तुअर दाल मूंग दाल उड़द दाल कॉटन जूट ग्रोनट एंड सोयाबीन आर ऑल राबी एंड असम हमारा राइस ग्रोइंग है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एपी तमिलनाडु केरला एंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर लीडिंग यू कैन से हैव मोर और आपका जो पंजाब है ये अब ऐड हुआ है एंड आपकी जो बासमती जो राइस होता है दे आर मोस्टली ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा बेल्ट ओनली

टाइप ऑफ डैश क्रॉप हमने पढ़ा जून मतलब अराउंड जून के हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली कर है, होता है जहां जहां जिस सॉइल को जो मतलब की जो सॉइल सुटेबल होता है वहां यूज होता है इनके बीच में जो एक सीजन होता है दैट इज कॉल्ड एंड वाटर मेलन मस मेलन कुकुम्बर देन टोमेटोज ये सारे जो मतलब की क्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग इसमें ग्रो करते यू कैन सी इन our कंट्री वी आर हैविंग wheat also, राइस also, मिलेट्स मेज pulses. ये हमारे मेन क्रॉप्स हैं क्योंकि इनको हम यूज करते हैं इन फूड जैसे राइस और wheat तो सबको पता है चावल और आटा मिलेटन मेज आपका जो है गुजरात राजस्थान वाला जो बेल्ट है वहां बहुत है उत्तर प्रदेश में बहुत है पल्सिस वी आर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर्स देन शुगर केन ऑयल सी टी कॉफी हॉर्टिकल्चर ये भी हमारे मतलब की फूड क्रॉप्स है बट दे आर यूज अलोंग विद द मेन ग्रेन्स एंड नॉन फूड में हमारे पास है रबर फाइबर क्रॉप्स कॉटन एंड जूट राइस द स्टेपल क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल साउथ में तो साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में तो यू ज्यादा मतलब की आपका यूज होता है वेयर इज इन नॉर्थ इट इज नॉर्थ बेल्ट में थोड़ा कम होता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इट रिक्वायर्स ये जो है आपके टेबल में आ सकता है दिस कैन कम एज अ टेबल क्वेश्चन और मे बी एज अ मार्क्स द कॉलम अराउंड ट्वेंटी फाइव से ज्यादा एंड मोर देन हंड्रेड सेंटीमीटर जो क्रॉप होता है ये आपके जून जुलाई में किया जाता है ग्रोन इन द्लेन ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया एंड डेल्टे कैनाल इरीगेशन डेंस नेटवर्क ट्यूबवेल्स पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान में भी इसको ग्रो किया जाता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है आपका एंड इट रिक्वायर्स बिट कूलिंग सीजन एंड ऑल्सो दिन में धूप होनी चाहिए अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव उसमें हंड्रेड था इसमें सेवेंटी फाइव तक आपको चाहिए गंगा सतलज एंड ब्लैक सॉइल्स आपके जहाँ पर वीट ग्रो हो जाता है पंजाब इज वन ऑफ द मेजर उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा है अभी देन पंजाब हरियाणा बिहार राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का जो आपका गेहूं है वो सबसे ज्यादा फेमस है इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज दैट्स आपका जो आशीर्वाद आटा है वो एम से आता है मिलेट्स कोर्स ग्रेन्स इनको हम यूज करते हैं दे आर बिकॉज दे आर रिच इन आयरन कैल्शियम एंड अदर माइक्रो एंड दे आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट जैसे तमिलनाडु में रागी जो है उसको दूध में मिक्स uh, करके दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को मतलब हम लोग देते हैं इट्स जस्ट लाइक ए पुडिंग एंड दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोनविटा एंड कॉम्प्लान वगैरह जो होता है उनमें भी यूज़ होता है एंड ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो यूज इन द रॉ फॉर्म लाइक जॉवर जो बाजरे की रोटी आपकी यूज़ होती है दे हैव द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ग्रोज वेल इन ड्राई रीजन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शालू सॉय कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय फॉलोड बाई तमिलनाडु एच पी उत्तराखंड सिक्किम झारखंड एंड अरुणाचल मिलेट्स में जॉबर हमारे यहाँ थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप है एंड महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट वन फॉलोड बाई कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इट कैन बी ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल्स मतलब सैंडी में बहुत कम आपके जो सॉइल्स होते हैं उनको हम ले सकते हैं बट इनको हम कर सकते हैं ब्लैक सॉइल राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरे की रोटी वहां है देन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एंड हरियाणा मेज इट्स यू कैन से मेज और आपका जो बनाना होता है ना ये कंप्लीट क्रॉप होता है मेज एंड बनाना जो है ना वो कंप्लीट क्रॉप होता है वाई आई आई एम अ कंप्लीट क्रॉप बिकॉज ईच पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज यूज इन वन और द अदर वे लाइक मेज कैन बी यूज एज अ उसके जो पत्ते होते हैं दे आर यूज एज अ फॉर ऑल्सो एनिमल्स के लिए

हमारे किसी भी शादी में इनफैक्ट आज मैं एक आई वॉज सॉल्विंग वन क्विज उस क्विज के अंदर भी यही था कि इंडिया में चाहे आप कहीं पर भी रहते हो वेर एवर यू आर इन श्रीनगर और यू आर स्टेइंग इन तमिलनाडु एक चीज कॉमन होती है और वो होता है दाल द फॉर्मेशन इज डिफरेंट आपके इफ यू गो टू वेस्टर्न वहां दाल अलग है ऊपर अलग है यहाँ अलग है बट दाल हमारे यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा है दैट वाई बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स एंड इंडिया ऑल्सो हैज डिफरेंट काइंड ऑफ पल्स मतलब हमारे पास तुअर दाल मसूर दाल उड़द दाल देन आपके जो चना दाल देन चने आपके वी आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ पल्स दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट

नो यस या नो तो बोल दिया करो सेम खाते हैं आप सब सेम की फली तो सब लोग खाते होंगे ना यस मैम हाँ तो दैट्स उसके अंदर जो बीज होता है वी हैव लोबिया वी हैव सेम ये सब जो सेम लोबिया ये सब होते हैं इनके ये लेगुमिनस होते हैं इनके अंदर होते हैं ये ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नट मतलब अरहर में नहीं है बट बाकी सब करते एंड दैट इज in rotation with other crops this can come as assertion and reason as well as a true and false or also as mcq एम पी यूपी आपका अरहड़ के लिए बहुत फेमस है राजस्थान आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका शुगर की, इंडिया इज वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ जागरी एंड खंडसारी हम बोलते हैं द रॉ फॉर्म ऑफ शुगर बट वी आर ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इन शुगर प्रोडक्शन आफ्टर ब्राजील सो इट इज ग्रो इन ट्रॉपिकल यानी कि आपके जो उत्तर प्रदेश सॉरी जो आपका तमिलनाडु है महाराष्ट्र देन आपके पार्ट ऑफ कर्नाटका तमिलनाडु यहां पर भी है एंड उत्तर प्रदेश इज अ मेन प्रोड्यूसर इन द सब ट्रॉपिकल एरिया इट नीड्स एन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनफॉल इसमें अच्छा होना चाहिए इट इज ग्रोन इन डिफरेंट इसमें जो है मैनुअल लेबर की आपको बहुत जरूरत पड़ती है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड देन जागरी के लिए वी आर द टॉप मोस्ट इट इज शुगर जागरी, खंद सारी वी यूज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स major sugar producing states are UP that is the largest one. In fact, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu for the past few years. They have developed this technique AP, Bihar, Punjab and Haryana. Next is tea. Tea is a plantation crop. It's a beverage. This was introduced by the British and now we are having different kinds of tea but now for the past few years. It has attained many different forms. We are using her different kinds of form and we are using it for as a medicine also and in fact in the uh, western countries tea jo hai, it was used as a medicinal purpose only. It grows in tropical as well as subtropical. इंडोर विथ फर्टाइल वेल ड्रेनड सॉइल पानी नीचे अच्छे से ड्रेन हुआ एंड इट इज वेरी वेर इट इज ह्यूमस आपका अच्छा हो टी बुश रिक्वायर फ्री क्लाइमेट एंड ऑफकोर्स टी में सबसे ज्यादा आपका लेबर है दिस इज लेबर ओरिएंटेड, एंड टी इज अ कंप्लीट प्रोसेसिंग है आपके पत्ते तोड़ने से लेकर आप अगर उनके फ्रेश फ्रेश पत्ते तोड़ने होते हैं उसके बाद उनको प्रोसेस किया जाता है एंड देन दैट इज सेंट टू द इंडस्ट्रीज Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Assam, Darjeeling, parts of Jalpaiguri—that Jalpai is in West Bengal. Again, West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala in the southern states. We are producer as well as exporter of tea in the world. We are the leading one. Coffee—it was brought by the Arabs, and this was brought by the by, from Yemen, your UAE. Hai. और आज वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड फोर फॉर डिफरेंट कॉफी बीन्स अगर आपने कभी कॉफी बीन्स देखे हो तो यू विल फाइंड द डिफरेंट ऑफ कॉफी बीन्स अवेलेबल इन आवर कंट्री इट्स कल्टिवेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूज ऑन द बाबा बुधम हिल्स और इसीलिए अभी भी ये आपका कर्नाटका आपका विच इज वेरी फेमस केरला एंड तमिलनाडु बट ये कर्नाटका का जो आपका कूर्ग एरिया है दैट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन नेक्स्ट कम्स इन द फूड क्रॉप आर हॉर्टिकल्चर मीन्स एवरीथिंग जो आपके गार्डन में हम उगाते हैं द फ्रूट्स द वेजिटेबल्स

यूपी के यूपी एंड बिहार के लिची एंड गुआवा एंड मेघालय के पाइन एपल्स एज वेल एज वी आर ऑल्सो हैविंग सम आर इन द ड्राई फॉर्म्स विच आर यूज इन द ड्राई फॉर्म्स ग्रेप्स देन ऐपल पियर एप्रीकॉट वॉलट ये आपके जो है ड्राई फॉर्म्स में भी हम यूज करते हैं एंड वी आर प्रोड्यूसिंग थर्टीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल ऑल्सो वी आर हैविंग ऑल काजिटेबल्स हमने वे नाम लेना बस whether it is peas, whether it is cauliflower, onion, tomato, brinjal, potato, everything in fact. Now comes a non-food crops that is rubber and it is of course an equatorial crop also and a commercial crop. It is a commercial crop. Rubber is not used for any purpose which we can use or uh, if you look into your NCRT there is a ग्राफ गिवन कि हम लोग जो है उसे किस किस के लिए यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज होता है देन इट इज यूज फॉर मेकिंग द शूज ऑल्सो इट इज मेकिंग यूज इट इज यूज फॉर मेकिंग द होस पाइप्स कैमल का जो बैक होता है वो इट इज बेल्ट आपके इट इज इट इज यूज इन डिफरेंट वेज उसका जो मिल्क मतलब कि जो निकालते हैं उसको यूज करके आपका रबर बनता है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड केरला तमिलनाडु अंडमान निकोबार कर्नाटका एंड मेघालय के कुछ जो घरों हिल्स हैं यहाँ पर वी हैव द रबर रबर प्रोडक्शन एंड इट इज इंडिया रैंक्स अमॉन्ग फिफ्थ दिस इज द वन विच आई सेट ऑटो टायर्स साइकिल टायर्स ये जो ब्लू कलर है ये आपका जो है इंडस्ट्री में ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स मैक्सिमम देन फॉर साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स देन कैमल बैक्स देन फुटवीयर बेल्ज एंड होसेस लेटेक्स फोम आपके डिप्टूड्स या अदर परपज नेक्स्ट इज कॉटन जूट हेम नेचुरल सिल्क ये भी हमारे फाइबर क्रॉप हैं कॉटन वी आर यूजिंग फॉर एज अ क्लोथ जूट हमारे डिफरेंट परपज में यूज होते हैं इट इज यूज एज आर्ट फेक्ट इट इज यूज फॉर फॉर मेकिंग द बैग्स हेम

एंड इनमें से निकालना सिल्क वॉर्म से सिल्क को निकालने को हम कहते हैं सेरिकल्चर वी आर हैविंग कश्मीर सिल्क वी आर हैविंग मध्य प्रदेश में आपका सिल्क है देन आपका साउथ में कर्नाटका में आपका मैसूर सिल्क है कांचीपुरम में सिल्क है बनारसी सिल्क है सो वी आर एंड ऑफकोर्स चाइना जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड सिल्क वहीं से एक्सपोर्ट होता था एंड द रूट through which the Chinese silk used to go from China to other parts of world was called as silk route also hemp को हम लोग जो है मतलब कि अगर ग, if you गलती से अगर आप देखो तो hemp जो होता है उसको हम भांग भी कहते हैं क्या नाम है महाशिवरात्रि भांग, भांग. <laughs> उसमें उसमें भी 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 yes, आपका बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लोथ कॉस्मेटिक्स प्रिंटर्स इंक जो हमारी प्रिंटिंग इंक होती है उसके लिए डिटर्जेंट सोप लाइटिंग ऑयल इन सब में भी यूज होता है राइट right? मतलब अगर आप लोग कभी आपको समझ नहीं आया डेफिनेटली आपने गूगल करना होगा या यू विल यान टू द डिक्शनरी तो हेम का मीनिंग हो जाता है आपका भाग मरीजाना मतलब हम लोग उसको बोलते हैं फिर हमारे मुंह में ये यूनो हे भगवान सो इट इज ऑल्सो यूज इन द कॉस्मेटिक एंड अदर पर्प राइट इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट

लाइट रेनफॉल टू हंड्रेड एंड टेन फ्रॉस्ट फ्री ये आपका बॉक्स क्वेश्चन में आ सकता है मीन्स इन साइड द एम सी क्यूज ओनली इट कैन कम एंड नॉर्मली इट रिक्वायर्स एन मंथ्स टू मेच्योर महाराष्ट्र बेल्ट गुजरात बेल्ट एम पी कर्नाटका एपी महाराष्ट्र हरियाणा तमिलनाडु सब जगह है लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात आपका सबसे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट एंड दैट इज वाई मेजर आपके जो कॉटन textiles and they are also there right now if it these are the crops which we are growing whether it is in the food crops or non-food crops the industrial crops and as i said for the past many years india has been an agricultural country but हमारे यहाँ टेक्निकली हम अगर कहें अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें लाइक दूसरी कंट्रीज में ड्रोन्स यूज होते हैं वी आर नॉट यूजिंग दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ ट्रेशर्स जो है मतलब ट्रेशिंग मशीन यानी कि जो मतलब कि जैसे चावल होते हैं उनको उनको से दानों को अलग करने के लिए जो ट्रेशर्स होते हैं वो मशीनें तो अब आई हैं हमारे पास एंड इट इज नॉट देयर इन ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री सो दैट इज वाई In spite of the development of sources of irrigation, most of the farmers in the country are still dependent on monsoon and natural fertility to carry out the and that is why the people are more bothered. The farmers, we need these, you know, institutional changes now. Yes, Abhi Filhal liye the government has definitely. दे हैव सेट दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग ये है आपका थ्रेशिंग मशीन जो मैंने आपको बताया था ये मशीन है अब आई है सो वी नीड मोर डेवलपमेंट इन दिस एरिया वी नीड सीरियस टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज पहले क्या होता था जमींदारी सिस्टम होता था So, एक इंसान के पास या कह लो एक फैमिली के पास ज्यादा होल्डिंग रहती थी अब लोगों के पास आ गया है बट देख द गवर्नमेंट द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड उसके अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो है दे हैड ऑल्सो टेकन द इरीगेशनल सिस्टम जिसके लिए डैम्स आपके जो है उनको बनाए गए थे ट्यूबवेल्स को कनेक्ट किया गया था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाइक आपके एच वाई वी सीड्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया था दैट वॉज डन प्लस दे हैव बीन अदर एरियाज लाइक आपका ऑपरेशन फ्लड जिसमें आपके दूध और उससे रिलेटेड आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इनको भी किया गया देन क्रॉप इंश्योरेंस ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन्स ये भी कुछ स्टेप्स हैं विच हैव बीन टेकन किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे हैव बीन टेकन एंड दे आर डेफिनेटली बेनिफिटेड आल्सो एंड इफ़ यू गो टू द दूरदर्शन चैनल आप वहां पर वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम लाइक कृषि दर्शन इनको जो है दिया जाता है ऑन रेडियो एंड टेलीविजन स्पेसिफिकली क्योंकि वहां पर आपके ये बाकी uh, चैनल्स नहीं आते बट एटलीस्ट दूरदर्शन वगैरह आते हैं दे यूज दिस टू गेट द न्यूज एंड दैट इज वाई आपका जो ये को, जो मॉनसून मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो न्यूज होते हैं दे हैव टू बी मोर ऑथेंटिक इन वेरी बिगनिंग द गवर्नमेंट हैड हैल्सो इंट्रोड्यूस्ड That they would be buying all the industrial, sorry, the agricultural इनपो uh, matlab ki outputs by paying minimum support price और जब चावल गेहूं मतलब ये जो commercial क्रॉप्स होते हैं इनको बोया जाता है उस वक्त में द गवर्मेंट अनाउंसेज द एम एस पी एंड यू वोंट बिलीव द एम आर नॉर्मली बहुत टाइम टू टाइम ही ये रिवाइव होते हैं देन दे ऑल्सो ट्राई टू फिक्स द प्राइज ताकि मार्केट के अंदर इनके साथ जो है ज्यादा मतलब कि दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेड बट इट इज सेड दैट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर मैं चार दिन पहले पढ़ रही थी आई थिंक इट वॉज देयर ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग साइट दैट पुणे के अंदर था मतलब वो इन मतलब कि फार्मर उसको इतना लॉस हुआ था बिकॉज दे सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स फॉर वन मतलब कि वन रुपी टू रुपी थ्री रुपी में बेचते हैं

इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इजी होगा लेकिन उनका मानना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पर अपनी मर्जी चलाएंगे सो दैट वुड बेनिफिट द इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट द फार्मर्स सो दैट इज व्हाई दे आर ऑन स्ट्राइक तो हमारे जो फार्मिंग है जहाँ सिक्सटी फिफ्टी टू परसेंट हम लोग फार्मिंग पे लोग रहते हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए अलॉन्ग विथ ऑफकोर्स द सेकेंडरी एंड टेरिशरी इन इंडिया लॉन्ग बैक ये जो मैंने आपको बताया जमींदारी सिस्टम होती थी तो पीपल यूज होती थी उन पर कब्जा कर लेते थे like they got, they तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ मेनी ऑफ द फार्मर रिच दे यूज टू एक्सप्लोय मैनिपुलेट द स्मॉल फार्मर्स एंड छोटे छोटे जो फार्मर्स होते थे देर लिव विथ नथिंग उस वक्त में एक uh, मतलब कि रेवोल्यूशन हुआ था विच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन बिकॉज देर वाज़ नो वॉयलेंस देर वाज़ अ परसुएशन एक रिक्वेस्ट था उन्होंने विनोबा भावे ने जो है पदयात्रा लेकर विद द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य उस जगह जगह गए और उन्होंने डिमांड किया डट ये जो बड़े बड़े फार्मर जिनके पास जमीन ज्यादा है वो लोग अपने जमीन को अपनी इच्छा से

एकर्स को 80 फार्मर्स को दिया था एंड लेटर ऑन द सेम थिंग वाज डन इवन फॉर द विलेजेस कई कई जमींदारों के पास बड़े सारे विलेजेस होते थे दे गेव द ग्राम दाम हम ये नहीं बोल सकते बेटा दिस वाज बिकॉज वर वेरी गुड इट वाज आल्सो कि उन लोगों को गवर्नमेंट ने यह भी बोला था कि अगर आप नहीं दोगे तो यू विल बी यू हैव टू पे द टैक्सेस आपको जो है टैक्सेस देने पड़ेंगे

लेबोरेट्री हाइब्रिड सीड्स इन सबकी वजह से भी जो है फार्मर जो है दे आर है बिग चैलेंज और क्या हो रहा है गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉयमेंट जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हटा देती है द सब्सिडीज जो है वो डिक्रीज हो गई हैं पहले गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी इफ दे आर बाइंग द फर्टिलाईजर इफ दे आर बाइंग द सीड्स तो वर गिवन सम सब्सिडीज अब वो भी कम होता जा रहा है देन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कम कर दिया है उसकी वजह से क्या होता है कि कई इंडस्ट्रीज जो है वो इम्पोर्ट करके लेती है वो यहाँ से नहीं खरीदते वो बाहर से खरीदती है उससे भी हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत नुकसान हुआ है एंड ऑल्सो द फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देअ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा सो वी नीड दैट इंडिया इज ऑलरेडी सेल्फ सफिशियंट लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम लोगों को जो है वी हैव टू पुट मोर इन टू वी हैव टू पुट मोर इन टू द एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट जो है दे नीड टू लुक इन टू दीज एरिया एट द वेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज गिविंग दी रॉ मटीरियल टू द इंडस्ट्रीज तो अगर एग्रीकल्चर में सेटबैक होगा तो उनको भी सेटबैक होगा सो वी नीड सो दैट इज वॉट ऑल अबाउट द चैप्टर वॉट वी कॉल एज एग्रीकल्चर